हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा, जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये लास्ट ईयर मुख्य परीक्षा में आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक ही प्रश्न पढ़ेंगे हम आज। क्वेश्चन है कि प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता, मतलब प्रशासन एक नैतिक कार्य है और जो उसको करता है वो नैतिक कार्य को करने वाला है, मतलब एक नैतिक अभिकर्ता, मतलब जो उस कार्य को करने वाला है। इसका हमें एक अर्थ समझाना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। और फ्रेंड्स, इस तरह से नोट्स मेरे मेंस का पैकेज जो है वो इस तरीके से आएगा। ये पूरे पैकेज की डिटेल दी हुई है, आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। और हर मेरे हर नोट्स के साथ आपको एक पेड ग्रुप मिलेगा जहाँ पे आपको आंसर्स दिए जाते हैं, नए नए आंसर्स फ्रेमिंग मुख्य परीक्षा के दिए जाते हैं। इस प्रकार के मेंस के जो नोट्स हैं वो आपको मिल पाएंगे। और जो आप में आज क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो आपका इस बुक का है, इस नदरसन सास की नोट्स में आपको ये वाला आंसर मिलेगा। ये हमारा प्रीलिम्स का पैकेज है, प्रीलिम्स में आपको 16 फाइल मिलेंगी। तो क्वेश्चन है कि प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता, इस कथन की विवेचना करो। फ्रेंड्स, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये जो कथन है, एक कथन है, एक ऑडवे टीड महोदय थे, उन्होंने बोला था कि आधुनिक सभ्यता में अनेक समाज में दुष्प्रतियाँ फैल रही हैं। ये जो कथन बोला है कि प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासन एक नैतिक अभिकर्ता, ये कथन बोला है ऑडवे टीड ने। अब जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, कोई कथन आता है, तो सबसे पहले जिसने उसको बोला है हमें उसका बारे में लिखना पड़ता है। तो उपरोक्त कथन जो है ऑडवे टीड महोदय का है। आधुनिक समाज में अनेक दुष्प्रवृत्तियां समाज में फैल रही हैं, जिससे समाज नैतिक पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारा जो भारतीय समाज है बहुत सारी विविधताओं को घेरे हुए है। अलग अलग समाज, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, सांप्रदायिकता, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग यहाँ पर मिलकर रहते हैं। अब समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, समाज में हमारा जो कुछ लोगों का लेवल बहुत हाई है, कुछ लोगों का लेवल बहुत लो है, मतलब कुछ बहुत पैसे वाले हैं और कुछ गरीब हैं, कुछ कम गरीब हैं और कुछ मध्यम वर्गीय हैं। अब क्या होता है कि जो गरीब व्यक्ति है वो सोचता है कि हम मध्यम वर्ग तक पहुँच रहे हैं, मध्यम वर्ग वाला सोचता है कि हम ऊपर, बहुत पैसे वाला सोचा, पैसा वाला सोचता है हम और पैसे वाला, मतलब और पैसे वाला, और पैसे वाला, मतलब व्यक्ति की आकांक्षाएं जो हैं वो मरती नहीं है। अब इसी के कारण क्या होता है कि व्यक्ति नैतिक पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसे समय में प्रशासन को ही राज्य के निर्देशानुसार समाज में शुचिता, मतलब शुद्धि, नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में जब समाज नैतिक पतन की ओर बढ़ रहा है, समाज में इतनी कोपरताएँ फैल रही हैं, और अब खुद प्रशासक को ही इनमें ना शामिल होकर राज्य के निर्देशानुसार समाज में शुचिता, नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना पड़ेगा। जो भी राज्य में पिछड़े तबके के लोग हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएं, कल्याणकारी योजना बना दी तो उन तक उनको पहुंचाया कैसे जाए, जो जहां पर पहुंचना मुश्किल है, मतलब समाज के हर वर्ग तक सुविधा देना इनका ही काम है। अनैतिकता को कैसे नियंत्रित करना है और सभ्यता को कैसे सुरक्षित रखना है, ये एक प्रशासक का ही कर्तव्य है। एक नैतिक अभिकर्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी भी परिस्थिति में स्वेच्छा से कार्य करता है। एक नैतिक अभिकर्ता किसी दूसरे के बातों में नहीं आता है, वह अपनी नैतिक वैल्यू, जो उसकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनका यूज़ करता है, तभी वो नैतिक अभिकर्ता कहलाएगा, नहीं तो वो एक साधारण हो जाएगा व्यक्ति। लेकिन अगर वो ना किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर, ना अपने निजी फायदे को देखकर, ना अपने रिलेटिव्स को देखकर, स्वेच्छा से दूसरे के हित में काम करता है, वो एक नैतिक अभिकर्ता होता है, तथा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना को आधार बनाता है, मतलब सभी का हित हो और सभी लोग सुखी हों, ये भावना जो है वो नैतिक अभिकर्ता के मन में रहे। प्रशासन में नैतिकता का आधार केवल कानूनों को बनाना ही नहीं होता, बल्कि यह समझना भी होता है कि कोई भी कानून क्यों बने और उसके अनुपालन की आवश्यकता क्यों हो।
मतलब कोई कोई भी कानून अगर सरकार ने बोल दिया और एक प्रशासक को बनाना है, अब प्रशासक ने बिना समझे देखे उसको बना दिया तो ऐसा नहीं है। एक प्रशासक को उसका अनुपालन भी करना है, उसको अनुपालन भी करवाना है और उसको समझना है कि क्या ये योजना बनी है या ये कानून बना है तो ये लोगों के हित में है या नहीं। अपने कर्तव्य को, ये कर्तव्य कि हमें सरकार ने ये काम बोल दिया है हमको करना है, देख के ये भी देखना है क्या ये नैतिकता अनैतिक आधार पर है या नहीं। चूंकि एक प्रशासक भी कानूनों की व्याख्या करता है, अतः इसका सीधा सा अर्थ है कि यदि प्रशासक नैतिक अभिकर्ता नहीं है तो कानून का शासन भी बहुत अन्यायपूर्ण हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स हमें इसको थोड़े से शब्दों में लिखना है इसलिए हमने, लेकिन अगर हम इसको ब्रॉड मतलब इसको अगर हम बड़ा करके भी चाहें तो लिख सकते हैं कि समाज में बहुत सारी बुराइयाँ फैल रही हैं, समाज में हर जगह अराजकता फैल रही है, सांप्रदायिकता फैल रही है, वर्ग विभेद हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक प्रशासक ही है जो इन सभी परिस्थितियों का हल कर सकता है, तरह तरह की कल्याणकारी नीतियाँ बनाकर, तरह तरह की कल्याणकारी योजना बनाकर वो समाज को एक जो पतन की ओर अग्रसर हो रहा है उसको रोक सकता है। एक प्रशासक अपने नैतिक कार्य द्वारा, एक प्रशासक अपने नैतिक द्वारा एक कार्य, एक जहाँ पर वह है वहाँ की स्थिति सुधार सकता है। ऐसे ही हर जगह के प्रशासक अगर मिलकर एक अनैतिक मार्ग की ओर चले और देश समाज को लेके चले तो समाज जो है, जो समाज में फैली जो गंदगी है, समाज में फैली जो दुर्दशा है उसको काफ़ी हद तक हम सुधार सकते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक कर्ता। और टीड महोदय का जो ये कथन है वो इसी बात से प्रासंगिक होता है कि अगर प्रशासक चाहे तो वो नैतिक मार्ग पर चलते हुए समाज की बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन, ये हमारे एथिक्स के नोट्स का क्वेश्चन है। आप अगर हमारा नोट्स लेना चाहते हैं मेंस का तो ये ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। प्रीलिम्स मेंस सभी का नोट्स आपके लिए उपलब्ध रहेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।